सी आई ई e टी एन सी ई e आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा तीन की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पांचवा पाठ छोटू का घर यह एक चित्र कथा है जिसमें छोटू पहली बार मुंबई आया है पहले चित्र में छोटू मुंबई आया है वहाँ पर बहुत ट्रैफिक है लोग आ जा रहे हैं कुछ बच्चे जा रहे हैं बारिश हो रही है वहीं एक बड़ा सा पाइप है छोटू ने पाइप को देखा एक चित्र में दिखाया है कि छोटू पाइप में सो रहा है चित्र में छोटू के कपड़े पाइप में सूख रहे हैं चित्र में दिखाया है कि छोटू के कपड़े सूख रहे हैं छोटू पाइप के पास एक चित्र में दिखाया है कि छोटू के कपड़े पाइप में सूख रहे हैं पाइप के बाहर छोटू चूल्हे में खाना पका रहा है अब बताओ चित्रों में छोटू की क्या कहानी बताई गई है छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्सों में बांटा है छोटू को इस घर के कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ उसमें रंग भी भरो तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बाँटा तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज्यादा समय बिताते हैं क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई ख़ास व्यक्ति जाता ही नहीं या बहुत कम जाता है हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं कुछ हमारी मर्जी से कुछ हमारी इजाज़त के बगैर घर प्यारा सदा यही तो कहती हो माँ घर ये सिर्फ़ हमारा अपना लेकिन माँ कैसे मैं मानूं घर तो ये कितनों का अपना देखो तो ये कैसे, खेल रहे हैं पकड़ी? कैसे मच्छर टहल रहे हैं कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती अरे कतारें बांधे बांधे कहा चीटियाँ दौड़ी जाती और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं बिल्कुल दीदी दी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं इसीलिए तो कहता हूँ माँ घर ना समझो सिर्फ हमारा सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर ये प्यारा क्या आप जानते हो चूहों में देखने की क्षमता कम लेकिन सूंघने छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं ऐसे दो जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं उनके चित्र में उनका नाम भी लिखो क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो कैसे तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करता है तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो उसकी सफाई कौन करता है तुम शौचालय की सफाई में किस तरह मदद करते हो टॉयलेट का उपयोग सिमी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा वो उससे बात भी नहीं कर रहा सिमी बोली बिल्लू, क्या हुआ तुम बहुत सुस्त लग रहे हो बिल्लू बोला मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी सिमी बोली तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते बिल्लू मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। सिमी बोली अरे ये कैसी बातें करते हो अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल ना करके उसे गंदा करते हो तुम्हें डरना नहीं बल्कि जिम्मेदार बनना चाहिए कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार टॉयलेट सीख का ठीक से इस्तेमाल करें इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें अपने आप को ठीक से साफ करें टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोएं। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है क्या यह साफ़ सुथरा रहता है इसे कौन साफ़ करता है और कैसे तुम इसकी सफ़ाई में किस तरह मदद करते हो इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं क्या तुम जानते हो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ भी है अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ सुथरा छोड़कर अपने हाथों को भी अच्छी तरह से साफ़ करता है क्या तुम भी किसी साफ टॉयलेट में जाना पसंद करोगे अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुम्हें चाहिए तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं खुद को साफ करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए सूची बनाओ नहाना और दांत साफ करना नाखून काटना या कोई और बात यदि हम ये सब ना करें तो क्या हो सकता है तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है लता का घर खूब अच्छी तरह से सजा है क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो कब और कैसे सजाते हो अपने साथियों से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो उनके नाम लिखो अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाँचवा पाठ प्रस्तुति सी आई ई टी -E एन सी ई आर -E टी नई दिल्ली भारत